हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। स्टूडियो हम बात करने वाले असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के बारे में। जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती हुई उसकी यहाँ पे एक और वेटिंग क्लियर कर दी गई। जैसा कि आपको पता है, अलग अलग RRB जोन से यहाँ पे वेटिंग क्लियर की जा रही है असिस्टेंट लोको पायलट की, और 101% आपकी सभी की वेटिंग क्लियर की जाएगी असिस्टेंट लोको पायलट की। और टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि आज 27 तारीख को आज जो आपके मीटिंग हुई थी 28 तारीख को 28 जून को जो मीटिंग हुई थी उसमें यही मुद्दा रखा गया है, तो शायद उसका भी जल्दी फैसला आ जाए। तो जैसे आएगा तो मैं बता दूंगा। तो आज बात करते हैं सबसे पहले STR सेंटर से। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो आया है, सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक पैनल आया है यहाँ पर, और साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से पैनल आया है, तो दो पैनल आए। इसकी कट ऑफ मार्क भी जारी किए गए, 203 स्टूडेंट का यहाँ पर वेटिंग क्लियर किया गया, एडिशनल पैनल यहाँ पर जारी हो चुका है। तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा नोटिस, यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की तरफ से वेटिंग लिस्ट क्लियर किया गया, और अलग अलग RRB जोन से यहाँ पे सभी का वेटिंग क्लियर किया जाएगा। तो आप इंतजार करिए जिस भी जोन से भी आपने भरा था। एडिशनल पैनल फॉर असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ए में बात करते हैं, सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पे 140 वेटिंग क्लियर की गई है असिस्टेंट लोको पायलट की। मेरिट कौन कौन से, कितने नंबर पे ये नाम दिए गए हैं, रेलवे कौन से सेंट्रल रेलवे है, रोल नंबर दिए गए हैं, आपकी कम्युनिटी दी गई है, किस कम्युनिटी में आपको सेलेक्ट किया गया वो भी दिया गया है, और यहाँ के आपके जो CBT 2 और CBT 3 से जो आपकी मेरिट बनी है 70+30 जो आपका रेशियो होता है उसके यहाँ पे मेरिट भी देख सकते हो। यहाँ पे आप कट ऑफ मार्क कितनी गई है, तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ मार्क रही है वो 70.19 यहाँ पर कट ऑफ मार्क रही है। सबके अलग अलग रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारों की वेटिंग क्लियर की गई है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट सब कुछ रिजर्व की कैटेगरी, SC की कैटेगरी सभी की यहाँ पर दी गई है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो SC की अनरिजर्व की 71 रही है। तो यहाँ पे SC की बात करते हैं, SC कैटेगरी की यहाँ पे आप देख सकते हो 65.59 यहाँ पे कट ऑफ मार्क रही है, और यहाँ पे अगर OBC की बात करते 65 रही है, SC की 61 रही है, तो काफ़ी कम इसमें कट ऑफ मार्क रही है आपकी। और ST की बात करें तो ST की तो मात्र 38 कट ऑफ मार्क रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 स्टूडेंट थे ST कैटेगरी की, तो उसमें 39 कट ऑफ मार रही है, तो 39 से लेकर 71 के बीच में आपके इसमें कट ऑफ मार रही है अनरिजर्व OBC ST कैटेगरी की। 140 तो यहाँ पे आपके सेंट्रल रेलवे में किए गए हैं, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपके 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इन 15 स्टूडेंट के नाम दिए गए, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देख सकते हो, 68.99 इनकी कट ऑफ मार्क रही है। तो आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ, दिस पैनल इज प्रॉपरली प्रोविजनल एंड डज नॉट एनी वे तो गिव राइट टू कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट इन रेलवे। तो ये रिजर्व द राइट्स कैंसिल, और मतलब इसको पैनल को ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे, तो सारे राइट इनके पास है। तो आगे बात करते हैं, जो सी नंबर में कैटेगरी सी में दिया गया है, फ्रॉम द लिस्ट स्टैंड बाई 3 कैंडिडेट सबमिट देयर रिफ्यूजल रोल नंबर नॉन आर मेंशन। जो जिन स्टूडेंट के यहाँ पर रोल नंबर मेंशन नहीं किए गए उन्होंने अपने रोल नंबर दिए गए हैं, तो इनका भी जल्दी वेटिंग क्लियर होने की संभावना है, तो जिसके भी दिए गए वो इंतज़ार कीजिए बस। आगे बात करें तो कैटेगरी डी में बात करें, डिस्पेयर द गिव 2 चांस, यहाँ पर 2 चांस दिए जाएंगे कैंडिडेट को, 448 कैंडिडेट हैव नॉट बी सबमिट देयर अपोनेंट ऑप्शन, तो 10 डे ग्रांटेड बिफोर द, मतलब 8/7/2022 को इनको, मतलब 1700 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया गया है, दे कैंडिडेट सबमिट द ऑप्शन, यहाँ पे इनको ऑप्शन सेंड करना है, और लास्ट अपॉर्चुनिटी इनके पास कैश नो ऑप्शन तो रिसीव द विंकलेंस यहाँ पे देयर नेम सेंड विद कंकर्शन जोनल रेलवे विदाउट एनी नीडफुल ऑप्शन। तो यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं 48 के, इनको अपने ऑप्शनल सेंड करने हैं ताकि इनके भी जल्दी वेटिंग क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप 48 के रोल नंबर देख सकते हो, जिसके भी रोल नंबर दिए गए हैं आप अपने ऑप्शनल जल्दी से जल्दी सेंड कर दीजिए, ताकि आपका भी रीमेडिकल दोबारा हो जाए, और बाकी सारी चीज़ें भी आपके हो जाए, जल्दी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। तो ये था स्टूडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।